एक सशक्त अर्थव्यवस्था बनने के लिए सबसे आवश्यक है कि देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। बिजली उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। हमारी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 370 गीगावाट है, जिसमें से 210 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी केवल थर्मल पावर प्लांट्स की है। भारत की 75% बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट से होता है। ऐसे में ये अति आवश्यक हो जाता है कि इन पावर प्लांट्स में कोयले की अनवरत आपूर्ति एक समान तरीके से पूरे साल बनी रहे। सिंगरौली क्षेत्र में स्थित भारत की मुख्य कोयला कंपनियों में से एक नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड भी इस प्रयास में वर्ष 1986 से एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स सिंगरौली में, जिसका मुख्यालय है, उसके अंतर्गत 10 बड़ी बड़ी मैकेनाइज्ड खदानें आती हैं। इसका 80% कोयला मध्य प्रदेश राज्य से निकलता है, 20% कोयला करीब उत्तर प्रदेश से निकलता है। इनकी बड़ी खदानों में यह बहुत आवश्यक है कि निर्बाध रूप से लगातार कोयला का उत्पादन होता रहे, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि मॉनसून प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं उसकी प्लानिंग वगैरह बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। सिंगरौली कोलफील्ड मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यहाँ दक्षिण पूर्वी मानसून साल के 4 महीने जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है और औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर तक होती है। खदानों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी इन्हीं महीनों में आता है, जब कोलफील्ड्स में भारी वर्षा एवं बाढ़ की स्थितियों का सामना करते हुए भी ओपन कास्ट माइनिंग को सुचारू रूप से संचालित रखना पड़ता है। इसके लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स ने सम्प मैनेजमेंट, डंप मैनेजमेंट, ड्रेन मैनेजमेंट एवं डिस्पैच की एक व्यापक प्रणाली बनाई है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड मॉनसून एक्शन प्लान। एनसीएल ने भारत के शीर्ष भूवैज्ञानिक संस्थानों से संपर्क बनाकर इस अनूठे प्रयास की योजना बनाई। इसके पहले चरण में मॉनसून कार्यान्वयन कमेटी खदानों की विभिन्न टोपोग्राफिक कमजोरियों, सभी प्रासंगिक सड़कों, डंपों और अन्य कमजोर कड़ियों का मूल्यांकन करके प्लान तैयार करती है। इस प्लान को एक हेडक्वार्टर स्तर की कमेटी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इस रिपोर्ट का अनुमोदन कंपनी के डायरेक्टर से होने के बाद अनुमोदित राशि परियोजना को उपलब्ध कराई जाती है। ये कार्यवाही हर वर्ष नवंबर से जनवरी माह तक पूरी कर ली जाती है, ताकि फरवरी से मई तक आने वाले मॉनसून के लिए तैयारियां पूरी हो जाए। सबसे पहले माइंस के चारों तरफ एक सुनियोजित तरीके से गार्लैंड ड्रेन्स तैयार की जाती है, जिससे कि ऊपरी सतह या माइंस के बाहर से वर्षा का पानी माइंस के भीतर प्रवेश न कर सके। डंपिंग के टो में ड्रेन्स एवं रिटेनिंग वॉल्स बनाई जाती हैं। ड्रेन्स इस प्रकार से बनाई जाती हैं ताकि अधिक से अधिक वर्षा का पानी माइंस के बाहर चला जाए। मिड एंट्री एवं सेंट्रल एंट्री के पानी को मेन सम की ओर ले जाया जाता है। नए डंपिंग से सिल्ट आने का खतरा रहता है, जिसे गेबियन वॉल बनाकर रोका जाता है। एनसीएल की माइंस का एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो 1:4 होने से विशालकाय ओवरबर्डन डंप्स निर्मित होते हैं। हर साल लगभग 370 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिभार का सुनियोजित तरीके से रखरखाव करना एक चुनौती से कम नहीं है। 200 मीटर की ऊंचाई वाले इन डंप्स को करीब 30-30 मीटर के बेंच बनाकर और प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करके स्थिर रखा जाता है। बेंचिंग एवं वृक्षारोपण करने से ढलानों का बारिश से होने वाला कटाव रुकता है। डंप के शिखर पर डोजर की सहायता से ये सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी किनारे की ढलान न रहे और पानी ड्रेन्स के माध्यम से डंप से नीचे उतरकर क्रॉस ड्रेन से बाहर जा सके।
हॉल रोड के लिए भी हम लोग स्पेशल प्रिकॉशन लेते हैं, हॉल रोड में पानी ना जमा हो तो हॉल रोड का डिज़ाइन ऐसा करते हैं कि उस पर पानी ना आए, साइड के ड्रेन से निकल जाए। एक ड्रेन से दूसरे ड्रेन में यदि हॉल रोड को क्रॉस कराना तो वहाँ पर ह्यूम पाइप बड़े बड़े लगाते हैं ताकि पानी कहीं ओवरफ्लो होकर के रोड के सहारे दूसरे ड्रेन में ना जाए, उसके बाजू के ड्रेन में। तो इस तरह की सावधानियाँ हैं जिसके कारण हम लोग इस माइन को सुरक्षित रख पाए हैं, सारे माइन को, और एक बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। डंप मैनेजमेंट के बाद बारी आती है सम्प मैनेजमेंट की। 200 मिलीमीटर वर्षा की कल्पना करके कैशमेंट एरिया निकाला जाता है और उसकी डेढ़ गुना क्षमता का सम्प तैयार किया जाता है। पुरवा टॉप, पुरवा बॉटम एवं तुरना लेवल पर अलग अलग सम्प बनाए जाते हैं। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक पंपिंग क्षमता सुनिश्चित की जाती है। पंपों को पॉन्टून्स के ऊपर माउंट किया जाता है जिससे कि वे सम्प की सतह पर तैरते रहें। यूनिवर्सल जॉइंट या फ्लेक्सिबल होज डिलीवरी के प्रयोग से पंपों को कम से कम 15 मीटर तक ऊपर उठने की क्षमता दी जाती है। सिब्बल कमेटी का अनुपालन करते हुए दो फीडरों की व्यवस्था रखी जाती है। फील्ड स्विच 15 से 20 मीटर ऊपर रखा जाता है जिससे कि भारी बारिश के समय भी वो न डूबे, पंप चलते रहें और पावर फेलियर के समय भी स्टैंड बाय फीडर से पावर सप्लाई बनी रहे। पंपिंग स्टेशंस पर सुरक्षा की सभी सामग्रियां उपलब्ध होती हैं एवं साइन बोर्ड्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एवं नियमावली प्रदर्शित करके कर्मचारियों को खतरों के प्रति जागरूक रखा जाता है। वर्षा के समय डंप से सिल्ट का बहाव होता है, उसे रोकने के लिए सिल्टेशन पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। इन सिल्टेशन पॉन्ड्स में सिल्ट बैठ जाने के बाद ही पानी मेन सम्प में जाता है ताकि वहां सिल्ट का जमाव ना हो। मॉनसून के महीनों में तीनों शिफ्टों में पंप ऑपरेटर तैनात रहते हैं। आकस्मिक स्थिति की निगरानी मॉनसून कंट्रोल रूम से की जाती है। हर शिफ्ट में प्रोडक्शन, वर्षा एवं पंपिंग ऑपरेशन का डेटा एकत्रित करके हेडक्वार्टर कंट्रोल रूम को भेजा जाता है। मॉनसून के महीनों में प्रत्येक हफ्ते एरिया जनरल मैनेजर स्तर पर कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाती है जिसे NCL में स्थापित उच्च स्तरीय समिति द्वारा कंपनी के डायरेक्टर एवं CMD को अवगत कराया जाता है। तो इस तरह के कार्य करके मॉनसून प्रिपरेशन का एक बहुत अच्छा प्लान किया जाता है और हमारे जितने जो अधिकारी हैं, जितने जो स्टाफ हैं, इन चीज़ों से इनका एक इतना अनुभवी हो चुके हैं कि हर साल बहुत प्रिकॉशन लेते हैं इनका इम्प्लीमेंटर प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो इंजीनियर्स जो है, हमारी जो टीम बनी रहती है मुख्यालय क्षेत्र में लेवल में, वो भी जाती है और जा करके उसका जो मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करती रहती है। इस तरह यह कार्य को हम लोग करते हैं ताकि बरसात के दौरान में भी कोयला जो है हमारे पावर हाउसेस को और हमारे जितने उपभोक्ताओं को कोयले की कोई कमी ना हो, ये हमारा एक उद्देश्य रहता है। इस स्टैंडर्ड मॉनसून एक्शन प्लान के कार्यान्वयन से नॉर्दर्न कोलफील्ड्स का प्रोडक्शन ग्राफ मॉनसून के महीनों में भी नीचे नहीं होता है एवं मासिक लक्ष्य पूर्ण करते हुए विद्युत घरों में कोयले की आपूर्ति बरकरार रहती है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स अपने अनुभव के आधार पर स्टैंडर्ड मॉनसून एक्शन प्लान की एक सुचारू प्रणाली बनाकर हर नागरिक तक बिजली पहुंचाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के सपने को साकार कर रहा है।